बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि बच्चों बताओ कि एक व्यक्ति अपने 25वें जन्म दिवस पर और बूढ़ा होकर मर गया, बताओ कैसे? तो बच्चा सोचने लग जाता है। अब बच्चा भी क्या, कोई भी व्यक्ति अगर ये क्वेश्चन करेगा तो हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा आखिर पॉसिबल कैसे हुआ। ठीक है, एक बार मेरा क्वेश्चन फिर से देखिए। एक व्यक्ति 25वें जन्म दिवस पर बूढ़ा होकर मर गया कैसे? अब यहाँ पर हम सोचने लग जाते हैं कि मैम ऐसे तो हो ही नहीं सकता, 25 साल का व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो सकता, लाइक दैट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या हमने अपनी पढ़ाई में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था? हम सभी जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, इसमें कितने दिन होते हैं, लेकिन हम उसका जो प्रैक्टिकल यूज है कि इसका एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमने ये बात कभी नहीं सोची। हम जस्ट ये पढ़े बैठे होते हैं कि भाई 366 डेज होते हैं, ये 4 साल में आता है, ये हमें सब पता है। जब मैं बच्चों को ये आंसर बताती हूँ तो उन्हें ऑलरेडी ये सारी बातें पता होती हैं कि हाँ जी लीप ईयर तो हमें आता है, लगभग 6th टू 7th क्लास में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, जब तक हम उस सीखे हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि मेरी लाइफ में इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, तब तक वो चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने जब उनको बताया कि बेटा हो सकता है उसका जन्म जो है वो लीप ईयर में हुआ हो, तो उसके तो जन्मदिन ही टोटल हमारे 25 आएंगे, है कि नहीं? और 25 जन्मदिन वो अगर मना रहा है और उस तक उसकी उम्र जो है वो 100 ईयर्स हो जाएगी, और 100 ईयर्स के व्यक्ति को तो हम बूढ़ा कह ही सकते हैं। तो इसका जो एक सिंपल सा आंसर था कि कोई भी व्यक्ति 25वें जन्म दिवस पर बूढ़ा होकर के मर गया कैसे, तो हम सिंपली कह देंगे कि उसका जन्म जो है वो लीप ईयर में हुआ है, सिंपल। लेकिन यही चीज हमें अपने बच्चों में डालनी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो आप उसका प्रैक्टिकल यूज बताएं कि ये मेरी जिंदगी में कहाँ यूज हो सकता है, उसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये किसी इंटरव्यू में कैसे पूछा जा सकता है। अगर हम इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो रोक करेंगे हर फील्ड में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।